हेलो राधे राधे, हैप्पी नवरात्रि आल। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे, सबके घर में अन्न धन की बरसात हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ब्रेकफास्ट हमारा सबका हो चुका था, रसोई में साफ़ कर चुकी हूँ और अब मैं कर रही हूँ बर्तन, और उसके बाद मैं धोऊँगी कपड़े और डस्टिंग वगैरह भी सब कर चुकी हूँ। बाकी सब काम कर चुकी हूँ, बस कपड़े ही धोने बाकी बचे हैं। और अभी बर्तन साफ करके मैं सबको बर्तनों को अपनी जगह पर रख दूंगी, और बड़े बर्तन भी उनकी जगह पर ही लगा दूंगी। और डोंगा वगैरह मैं इसी जाली पे ही रख देती हूँ ताकि पानी निकल जाए, और सूखने के बाद अपनी अपनी जगह पर उनको सेट कर देती हूँ। फिर मैं और ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद बर्तन बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैं रसोई का सारा ही काम निपटा कर उसके बाद ही दूसरा काम करती हूँ। और बर्तन मैं साफ़ कर चुकी थी, अब गोपाल जी के मंदिर के पर्दे वगैरह उतारे थे और सफाई की थी, तो वो धो रही हूँ अब मैं। और भगवान जी के कपड़े मैं रसोई में ही धोती हूँ, बाथरूम वगैरह में नहीं धोती, और रसोई के बर्तन में ही धो लेती हूँ। भगवान जी के कपड़े अलग से टप रखा हुआ है जिसमें मैं सब्जी वगैरह धोती हूँ, उसी में गोपाल जी के कपड़े धो लेती हूँ। चलिए मैं गोपाल जी के कपड़े सुखा देती हूँ। और गोपाल जी के कपड़े सुखाने के बाद अब मैं लगा रही हूँ मशीन, और मशीन को कर दिया मैंने ऑन। और बाकी इधर उधर टप में ये बाल्टियों में कपड़े मैं पहले ही भिगो कर रख देती हूँ आधा घंटा पहले, ताकि अच्छे से भीग जाए और मैल जल्दी से साफ हो जाए। और कुछ कपड़े मैं साथ के साथ हाथ से भी धो देती हूँ, जैसे शर्ट की कॉलर वगैरह पे अलग से साबुन लगाने पड़ती है, पहले ही मैं साबुन लगाकर मशीन में डाल देती हूँ जो ज़्यादा गंदे कपड़े होते हैं उनको। और मैं इसी तरीके से कपड़े धोती हूँ, आप किस तरीके से कपड़े धोते हैं वो मुझे कमेंट करके बताना। और डेली डेली कपड़े नहीं धोती हूँ मैं, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन धोती हूँ कपड़े। इसी तरह हफ्ते में 3-4 बार ही मशीन लगाती हूँ, और डेली के जो छोटे मोटे कपड़े होते हैं वो हाथ से ही धो लेते हैं, मशीन में नहीं धोते हैं। और बाकी कपड़े सूखे रख कर फिर मशीन लगा कर धोते हैं। और इन कपड़ों को मैंने पहले ही भिगो दिया था, अब इनको मैं मशीन में डाल दूंगी। और मशीन में सर्फ और पानी मैं पहले डाल चुकी थी। ये कपड़े मशीन में धुल चुके हैं, अब इनको मैं बाल्टी में पानी डालकर पानी में से निकालूंगी, मशीन में नहीं निकालती हूँ। और इसी तरीके से मैं बाल्टी में पानी डाल डाल कर कपड़े निकाल कर धोती हूँ। और ये रेड वाले कपड़े थोड़ा सा कलर छोड़ रहे थे, इनको अलग अलग दूर दूरी पर रखा हुआ है। दो राउंड कपड़ों का मैं सुखा चुकी हूँ और एक राउंड ये और धुल चुका है। और अब ये ड्रायर में से मैं कपड़े निकाल लेती हूँ और फिर सुखा के आ जाऊँगी। मैं बाहर की साइड सुखा रही हूँ, आगे वाले एरिया में मकान के, इसलिए वीडियो में नहीं दिखा रही हूँ।
और वो कपड़े मैं सुखा के आ चुकी हूँ। और ये ऊनी स्वेटर है और एक ये जैकेट है, ये दो ही कपड़े बचे हुए थे वूलन में, बाकी धो के मैं रख चुकी हूँ। आज इनको भी धो दिया मैंने। और एक राउंड कपड़ों का और धुल चुका है, इनको भी मैं आंगन में ही सुखाऊंगी बाहर वाले में। और लीजिए सब कपड़ों को मैं धो चुकी हूँ, थोड़े से ही बाकी हैं। अब मैं ये तुलसी में खोदी कर देती हूँ। गोबर की खाद मंगवाई थी मैंने, वो डालनी है। तो कपड़े धुल चुके हैं, थोड़े से ही कपड़े बाकी थे, वो मशीन में चल रहे हैं। तो मैंने सोचा तब तक मैं तुलसी के पौधे की खोदी कर देती हूँ और इसमें गोबर वाली खाद डाल दूँगी जो मैंने एक दो दिन पहले मंगवा के रखी हुई थी। ये पैकेट में थी खाद। और सब पौधों की मैं खोदी कर चुकी हूँ और सब में खाद डाल दूँगी। और जो मिट्टी वगैरह आसपास बिखरेगी वो भी धुल जाएगी। अभी यहाँ से सफाई करूँगी उसी के साथ। और सब पौधों में मैं खाद डाल चुकी हूँ। और मेरे पास खुरपी नहीं थी, मैंने जो पूड़े उतारते हैं उसी पलटे से खोदी कर दी है पौधों में। और अब जो ये वाइट कपड़े बचे हुए थे उनको ड्रायर कर दूंगी पानी में से निकाल कर। और आप सोच रहे होगे इतनी सारी बाल्टी रखी हुई है कपड़े धोने के लिए। कपड़े धोने के लिए तो टब और एक ही बाल्टी रखती हूँ। ये बाल्टी अलग अलग बाथरूम में रखी रहती है गीले कपड़े और सूखे कपड़े डालने के लिए। तो जब मैं कपड़े धोती हूँ तो सब बाथरूम की बाल्टी उठा कर ले आती हूँ और सब बाथरूम की बाल्टी को मांझ कर धोकर रख देती हूँ कपड़े धोने के बाद। और मैं हमेशा इसी तरीके से कपड़े धोती हूँ। इस तरीके से कपड़े बहुत जल्दी साफ़ भी हो जाते हैं और जल्दी धुल भी जाते हैं। मशीन भी धोती रहती है और मैं भी हाथ से धो धोकर मशीन में डालती रहती हूँ तो बहुत ही जल्दी कपड़े धुलते हैं। एक बार आप भी इस तरीके से कपड़े धोकर ज़रूर देखें और साफ़ भी हो जाते हैं बिल्कुल। और मैं नहा चुकी थी
लीजिए, ये कपड़े भी ड्रायर हो चुके हैं, अब इनको भी मैं सुखा दूंगी। लीजिए, सब कपड़ों को धोकर मैं सुखा चुकी हूँ, बाहर की साइड आंगन में सुखाए हैं, बस ये लास्ट राउंड बचा है सुखाने के लिए, इनको भी मैं सुखा कर आ जाती हूँ पहले। लीजिए, मैं कपड़े सब सुखा के आ चुकी हूँ, अब यहाँ से कर दूंगी मैं सफाई। और यहाँ से सफाई तो डेली हो जाती है, डेली धो ही देती हूँ बाहर की साइड, तो मैं कपड़े धोती हूँ और वैसे भी धो देती हूँ, क्योंकि सहसुत और पत्ते वगैरह सब गिरते रहते हैं पीछे आंगन में, और आगे की साइड हमारे दो नीम के पेड़ हैं, उनके भी पत्ते गिरते रहते हैं। शाम को उसकी वीडियो बनाऊंगी मैं, तब आपको दिखाऊंगी कितना बड़ा आंगन है और कहाँ पर मैं कपड़े सुखाती हूँ। और अब लास्ट में मैं मशीन को साफ़ कर रही थी, मशीन को भी अंदर से मैंने साफ़ कर दिया था, और अब मैं पाइप को समेट कर रख दूँगी। बड़े वाले पाइप को समेट के रख दिया था, और फिर छोटे वाले पाइप से मशीन को फिर मैंने दोबारा से एक बार धो दिया, और अब मैं वाइपर से सारा पानी साफ़ कर दूंगी। बाकी मेरा सब काम हो चुका है, चलिए अब मैं टाइम दिखा देती हूँ, और इसके बाद मैं क्या करूँगी वो बताऊँगी आपको। ये 1:15 बज चुका है, और अब मैं मेरे लिए अम्ब्रेला कट प्लाजो की कटिंग करूँगी, और ये 2.5 मीटर कपड़ा था, और उसको 4 फोल्ड में समोसे के स्टाइल में मैंने कपड़े को फोल्ड करके रख दिया है। अब मैं नाप लेने का तरीका बताऊंगी, यहाँ से लूँगी मैं 11.5 इंच, जैसे हिप्स राउंड 40 है तो उसका 1/4 भाग 10 हो गया, और 2 इंच मार्जिन का लूँगी, और यहाँ से मैं गोलाई लूँगी तो 0.5 इंच बढ़ जाएगा, इसलिए 11.5 इंच की कमर ली है मेरी। अगर आपकी कमर 36 इंच है तो 9 इंच का लेना है और 2 इंच का मार्जिन, तो इस हिसाब से अब मैं ये 15 इंच पर लंबाई की साइड निशान लगा रही हूँ, और ऐसे गोलाई में निशान लगाना है, गोल बनाकर 0.5 इंच वैसे ही बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने 11.5 इंच लिया है। ये मैंने गोलाई में निशान लगा दिया, बीच से गोलाई आएगी, दोनों साइड से तो गोलाई नहीं आएगी, ये ऐसे करके मैं ये निशान लगा रही हूँ और आपको भी दिखा रही हूँ। ये 6 इंच और इधर की साइड ये 12 इंच हो गया है, ये बीच में से थोड़ा सा राउंड सा सर्कल बन गया गोलाई में, तो इसलिए ये 12 इंच हो गया, पूरा मैंने 11.5 इंच लिया था, और ऐसे गोलाई के निशान लगाने के बाद ये 12 इंच हो गया है। और अब मैं लगा लूँगी आसन का निशान, आसन मैं 8 इंच का लूँगी, क्योंकि ऊपर से मैं बेल्ट लगाऊँगी 7 इंच की, 2 इंच का मार्जिन वो नेफे के लिए, और 5 इंच बेल्ट में जुड़ जाएगा। 13 इंच का आसन काफ़ी है, वैसे तो 12 इंच का भी चल जाएगा, लेकिन मैंने 13 इंच का ले लिया है, और 2.5 इंच का यहाँ पे गोलाई दूंगी मैं निशान लगाकर, आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ से गोलाई दे सकते हैं, ज़्यादा कमर है तो यहाँ पे 3 3.5 इंच तक गोलाई दे सकते हैं, मैंने 2.5 इंच की गोलाई ली है। और यहाँ से मैं लूँगी
32 इंच आप लंबाई के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब ये मैंने 32 इंच पर निशान लगा लिया है और मैं इंची टेप आगे खिसकाऊंगी और गोलाई पे ऐसे ही निशान लगा दूंगी। पूरे इस पर, पूरे प्लाजो पे गोलाई में ही निशान लगाना है। लीजिए, ये पूरे प्लाजो पे मैं गोलाई में निशान लगा चुकी हूँ। और फिर मैं ये भी दिखा दूंगी मैंने गोलाई में किस तरीके से इस प्लाजो की कटिंग करी है। ये नीचे की साइड से मैं कटिंग कर चुकी हूँ। अब यहाँ से कटिंग करूँगी जो मैंने कमर के लिए निशान लगाया था। और अब ये मैं आसन वाली कटिंग कर रही हूँ, जो निशान लगा के रखा हुआ था उसी के ऊपर से कटिंग कर रही हूँ मैं। और ये आसन की कटिंग भी कर चुकी हूँ। अब इन पार्ट को भी मैं अलग कर दूंगी कटिंग करके। उधर की साइड से पार्ट को अलग नहीं करना, बस इधर की साइड से ही पार्टों को अलग करना है। और कटिंग करने से पहले एक बात का ध्यान रखें, जहाँ की साइड किनारी होती है उधर की साइड से ही आसन की कटिंग करनी होती है। दोनों साइड पार्ट जुड़े हुए होते हैं, उधर की साइड से कभी कटिंग नहीं करते, नहीं तो ये अम्ब्रेला कट प्लाजो ऊपर की साइड चढ़ने लगेगा और अच्छा भी नहीं लगेगा लुक में। अब ये जहाँ से तिरछा कटा है यहाँ पे मैं पट्टी जोड़ूंगी, उसके लिए भी कटिंग करूँगी। पहले मैं बेल्ट की कटिंग कर लेती हूँ। 7 इंच की बेल्ट लगाऊंगी इसमें मैं। पाँच इंच और आसन 2 इंच की बेल्ट है, रबड़ के अकॉर्डिंग आप अपने बेल्ट की कटिंग करें। अगर चौड़ा रबड़ है तो आधा इंच और मार्जिन में रख लें। और दोनों साइड से मैं 7-7 इंच ले चुकी हूँ। अब इसकी मैं कटिंग कर दूंगी। और ये बेल्ट थोड़ी सी छोटी है और कपड़ा जोड़ना होगा तो मैं बाद में कटिंग कर लूँगी, सिलाई करूँगी तब। और चलिए अब मैं ये प्लाजो बिछा कर दिखा देती हूँ, किस तरीके से इसके ऊपर कपड़ा जोड़ना है वो भी बता दूंगी मैं। इसमें तिरछी पट्टी जुड़ेगी ऐसे करके, और फिर एक्स्ट्रा कपड़े की मैं कटिंग कर दूंगी ऐसे करके, जुड़ जाएगा ये। चलिए अब मैं प्लाजो की सिलाई कर लेती हूँ पहले, फिर आपको दिखाती हूँ कितना सुंदर प्लाजो बनकर तैयार हो जाएगा। पहले आसन को जोड़ूंगी मैं। और दो दो सिलाई लगाऊंगी आसन के ऊपर तो मैं। लीजिए, दोनों आसन को जोड़ चुकी हूँ मैं। और जो बेल्ट लगाने के लिए कपड़े कटिंग की थी उसको जोड़ रही हूँ मैं।
लीजिए, आसन के लिए जो बेल्ट कटिंग की थी उसको मैं जोड़ चुकी हूँ और अब मैं लगा रही हूँ बेल्ट प्लाजो के ऊपर। और वीडियो को मैंने फॉरवर्ड कर दिया था फटाफट फटाफट, नहीं तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाती है अगर पूरा ढंग से सिलाई और कटिंग दिखाऊंगी तो। लीजिए ये बेल्ट मैं लगा चुकी हूँ और बेल्ट पूरी हो चुकी है। लीजिए प्लाजो के ऊपर मैं बेल्ट लगा चुकी हूँ। अब इस बेल्ट को मैं ऊपर से 2 इंच की फोल्ड करूँगी। अगर आपका इलास्टिक थोड़ा सा और चौड़ा है तो आप 2.5-3 इंच की फोल्ड कर सकते हैं। लीजिए अब बेल्ट को मैं फोल्ड कर चुकी हूँ और इलास्टिक भी डाल चुकी हूँ और यहाँ से जो थोड़ा सा ओपन छोड़ा था उसको बंद कर दूँगी। और इलास्टिक के ऊपर भी सिलाई लगाऊंगी तब आपको दिखाऊंगी। अभी मैं इसको नीचे से फोल्ड कर लेती हूँ, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करूँगी जैसे हमें पिको करवाते हैं चुन्नी के, इसी से थोड़ा सा ही फोल्ड करूँगी इसको मैं। जैसे मैं इतना ही फोल्ड करूँगी नीचे से। प्लाजो के एक साइड से मैं फोल्ड कर चुकी हूँ, अब ये दूसरी साइड वाला मैं फोल्ड कर रही हूँ। लीजिए प्लाजो के दोनों पैरों को मैं अच्छे से फोल्ड कर चुकी हूँ, बिल्कुल बारीक बारीक से। ये देखना बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ही फोल्ड किया है। प्लाजो के नेपे में इलास्टिक में डाल चुकी थी और इलास्टिक डालने के बाद ऐसे 3-4 बार आप भी ज़रूर खींचे ताकि इलास्टिक इसमें अच्छे से सेट हो जाए और ऊपर से सिलाई लगाते हुए हमें कोई दिक्कत नहीं आए। और अब मैं इसके ऊपर से सिलाई लगा रही हूँ, दूसरी सिलाई लगा रही हूँ और इसको खींचते जाएं और मशीन चलाकर सिलाई लगाते जाएं आराम आराम से। लीजिए इलास्टिक में डाल चुकी हूँ और पूरे में सिलाई भी लगा चुकी हूँ। लीजिए बिल्कुल आसान तरीके से मैंने अम्ब्रेला कट प्लाजो आपको काटना सिखा दिया और सिलना भी सिखा दिया और बहुत ही सुंदर प्लाजो बनकर तैयार हो गया और इलास्टिक भी बिल्कुल अच्छे से डल गया है। तो चलिए अब मैं दिखा देती हूँ। लीजिए बहुत ही सुंदर अम्ब्रेला कट प्लाजो बनकर तैयार हो गया। एक बार आप भी जरूर बनाएं, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी, नए आइडिया के साथ, नया नई कोई गोपाल की ड्रेस के साथ। राधे राधे।